बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आप कैसे हैं? आज आपके साथ मैं एक ऐसी ज़बरदस्त वीडियो शेयर करूंगी जो होम रेमेडी और बिल्कुल घरेलू होगी, जिसके इस्तेमाल से आप अपने चेहरे के कालेपन को मिटाकर अपने चेहरे को बेहद गोरा, ब्राइट और फेयर कर सकते हैं। आज का ये नुस्खा मैं खास उन लोगों के लिए लेकर आई हूँ जिन लोगों ने बहुत कुछ ट्राई करके, बहुत सारे नुस्खे ट्राई करके, बहुत सारे क्रीम यूज करके देख लिए, लेकिन उनको फायदा नहीं हुआ। उनके चेहरे से दाग धब्बे नहीं जा रहे, चेहरे का कालापन नहीं मिट रहा, उनके चेहरे पर निखार नहीं आ रहा। दोस्तों अगर आप सचमुच अपने चेहरे पे निखार लाना चाहते हैं, अपने चेहरे की खोई हुई चमक वापस पाना चाहते हैं और अपने चेहरे को खूबसूरत बनाना चाहते हैं, तो आज इस होम रेमेडी को, जो कि घरेलू है, इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा और इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप इसको डेली इस्तेमाल करेंगे तो आप कुछ ही दिनों में अपने चेहरे पे इसका रिजल्ट ज़रूर देखेंगे। इससे पहले के वीडियो की तरफ जाएं, मेरी तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे यस कर दें, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो अपडेट होगी इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। वेवस चलते हैं वीडियो की तरफ। वेवस अक्सर लोग चेहरे को गोरा करने के लिए बाजार से तरह तरह की करीमें खरीद कर ले आते हैं कि इन क्रीमों से उनके चेहरे का कालापन दूर होगा। कुछ दिन लगाने के बाद उनको थोड़ा थोड़ा फर्क तो जरूर नजर आएगा, लेकिन उन चीजों को ज्यादा लंबे अरसे तक इस्तेमाल करने से आपके चेहरे पे पिंपल्स भी निकल आते हैं और दाग धब्बे भी बन जाते हैं, फिर नुकसान होने लगता है। ये आज की होम रेमेडी बिल्कुल नेचुरल है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और ये बिल्कुल इजी भी है। ये लड़के लड़कियां दोनों ही इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल से आप अपने चेहरे को बेहद गोरा और खूबसूरत बना सकते हैं और कालेपन को खत्म कर सकते हैं। बनाते हैं इस नुस्खे को। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस नुस्खे में इस्तेमाल होने वाली चीजें कौन कौन सी हैं। सबसे पहले हमें चाहिए अर्के गुलाब, इसके बाद हमें दूसरी चीज जो चाहिए वो है एलोवेरा जेल, और तीसरी चीज जो लास्ट पे हमें चाहिए वो है मैदा। आपने अब इसको बनाना किस तरह है। सबसे पहले एक खाली बोल लें। इस खाली बोल में सबसे पहले हमने जो चीज ऐड करनी है वो है रोज वाटर, यानी कि अर्के गुलाब। अर्के गुलाब का आपने 1 चम्मच इसमें ऐड करना है। ये इतनी मिकदार में आपने लेना है। अर्के गुलाब आपको किसी भी दुकान से इजीली मिल जाएगा। अर्के गुलाब नेचुरल होता है, ये हमारे चेहरे की खोई हुई चमक को वापस लाता है। इसके बाद जो दूसरी चीज हमने इसमें ऐड करनी है वो है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल का 1/2 चम्मच हम इसमें ऐड करेंगे, इतनी मिकदार हम इसकी यूज करेंगे। अगर आपके घर एलोवेरा प्लांट है तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। अगर नहीं तो आप बाजारी एलोवेरा जेल भी यूज कर सकते हैं। एलोवेरा जेल हमारी स्किन को फेयर करने में काफी हेल्प करता है। एलोवेरा जेल मॉइस्चराइजर करता है और चेहरे से कालेपन को दूर करता है। आप इन दोनों को मिक्स कर लें, इन दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इसके बाद लास्ट में हम जो चीज इसमें ऐड करेंगे वो है मैदा। मैदे का 1 चम्मच हम इसमें ऐड करेंगे, इतनी मिकदार में हम मैदा यूज करेंगे। आप इनको मिक्स कर लें, एक गाढ़ा पेस्ट बना लें। आप देख सकते हैं कि इस तरह का पेस्ट बनेगा। ये मिक्सचर तैयार हो चुका है। अब आपने इसको लगाना किस तरह है, इस पेस्ट को अपने फेस पे लेप कर लें, इस तरह लेप कर लें हल्का हल्का। इस तरह लेप कर लेना है और लेप करने के बाद 1 घंटे के लिए छोड़ दें।
इसके बाद ताजे पानी से धो लें। इसको आप दिन में किसी भी वक्त लगा सकते हैं। इसके इस्तेमाल से 2-3 दिन तक आप देखेंगे कि कितना निखार होगा और आपका चेहरा कितना खूबसूरत होगा। वेवस इसको जरूर जरूर ट्राई कीजिएगा। वेवस ये थी मेरी आज की वीडियो। कैसी लगी आपको मेरी आज की वीडियो? अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। मिलते हैं इंशाल्लाह एक और जबरदस्त वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। थैंक यू वॉच दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।